नवीन जिला एमसीबी में मामूली विवाद के कारण अपने ही रिश्ते में लगने वाले भाई पर प्राणघातक हमला कर फरार हो जाने वाले आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। फरार हो जाने करीब 6 महीने बाद फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। यह पूरा मामला नवीन जिला एमसीबी के भरतपुर जनकपुर की है, जहाँ थाने में आकर प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी दलवीर सिंह यादव निवासी ग्राम पौड़ी दिनांक 17/3/2022 को अपने पारिवारिक भाई गोरेलाल के सिर में टंगिया से मारकर प्राणघातक प्रहार किया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना जनकपुर में अपराध क्रमांक 34/22 धारा 307 452 294 506 323 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा था, किंतु आरोपी या तो चकमा देकर भाग जाता था या जंगलों में छिप जाता था या बाहर चला जाता था। इस प्रकार लगातार प्रयास करने के बावजूद आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। अभी मनेंद्रगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुशवाहा सर के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक एफर्ट लगा करके फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे आदमी लगाए गए और सूचना मिली कि यह प्रातः घर में रहता है, इसलिए सुबह 5 बजे योजनाबद्ध तरीके से इसके घर की घेराबंदी की गई। जैसे ही इसे पुलिस की आहट मिली कि पुलिस आ रही है, ये अपने घर से निकलकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया और इससे हत्या के प्रयास में प्रयुक्त टंगिया जब्त की गई और आरोपी को इस प्रकार 6 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।